हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम बात करेंगे 10 वेज टू टॉक अबाउट प्राइस। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इजी लर्न लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लें, तो इसी तरह के ईजी और एडवांस वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। हर किसी का ख़रीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए शॉपिंग सेंटर्स में जाना होता रहता है, तो वहाँ पर चीज़ों पे प्राइस टैग लगे होते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होते हैं, कुछ ऐसे शॉप्स भी होते हैं जहाँ प्राइस टैग नहीं होते हैं, वहाँ पर प्राइस पूछी जाती है। अब देखें, अगर किस चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगी चीज़ है, तो उसके लिए दो फ्रेजेस हैं हमारे पास। हम ये कह सकते हैं कि इट कॉस्ट ए फार्चून आर इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। फार्चून का यही मतलब होता है, फार्चून मैंने वेरी एक्सपेंसिव, और एन आर्म एंड लेग इनका भाई यही मतलब निकलता है। अब समटाइम ये होता है कि किस चीज़ की प्राइस आपकी सोच से ज़्यादा होती है, तो वहीं पे आप ये कहते हैं कि भाई इसकी प्राइस इतनी नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं दैट्स ए रिप ऑफ। अच्छा, रिप ऑफ का मतलब होता है ओवर प्राइस्ड फॉर मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी। या कोई चीज़ अगर हमारे बजट से ज़्यादा महंगी होती है, हम उसे ख़रीद नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं आई कांट अफोर्ड इट। अगर कोई चीज़ थोड़ी सी महंगी हो तो हम कहेंगे दैट्स ए बिट प्राइसी। अगर किसी चीज़ की प्राइस कम है, उसकी कीमत कम है, तो हम कह सकते हैं दैट्स क्वाइट रीजनेबल, इट मीन्स गुड प्राइस है इसकी। और समटाइम्स कभी कभी सेल लगाया जाता है, तो उसमें चीज़ों पे 30% या 20% ऑफ किया जाता है, इट मीन्स 30% डिस्काउंट दिया जाता है। और जो टैग लगा होता है प्राइस का, उसमें से 20 या 30 या जितना वहाँ पे ऑफ होता है या डिस्काउंट होता है, वो उसमें रिमूव करके, सॉरी कट करके, फिर आपको वही चीज़ दी जाती है। और उसके बाद है दैट्स ए गुड डील, इट मीन्स ए गुड वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ मनी, इट मीन्स ये अपने हिसाब से, अपनी प्राइस के हिसाब से सही है। उसके बाद इट वॉज़ ए रियल बारगेन, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है। उसके बाद इट वॉज़ डर्ट चीप, मीन्स ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव चीज़ थी, इट मीन्स बहुत ही सस्ती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।